गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास बच्चे, हम लोगों ने अभी तक 10, 12 यूनिट कंप्लीट करी थी। आप लोगों ने बेटा 10 और 11 यूनिट में क्या पढ़ा था? वेट के बारे में, लेंथ के बारे में, ठीक है। अब 12 यूनिट में हम पढ़ेंगे कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वेट जो होता है आपका वो केजी में मेज़र किया जाता है, लेंथ जो होती है वो आपकी मीटर या सेंटीमीटर में, उसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने सब कुछ किया है। अब 12 यूनिट में आपकी है मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब बच्चे, इसमें मतलब मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी जो होती है किस में मेज़र करते हैं हम? लीटर और मिलीलीटर में। जितनी भी आपके लिक्विड जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग किस में? कैपेसिटी में मेज़र करते हैं। तो आइए, आप अपनी बुक का 115 पेज ओपन करिए, इसको समझिए। यूनिट 12 कैपेसिटी के बारे में देखें। कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। मैं अभी बता रही थी यही, लीटर का मतलब एल होता है, मिलीलीटर का मतलब एमएल होता है। जैसे आप उसको केजी और ग्राम लेते थे, इसी तरीके से लीटर और मिलीलीटर। लीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। किसी कंटेनर की कैपेसिटी को मेज़र के लिए हम लोग कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? लीटर का, ठीक है। वी यूज़ द सिंबल एल फॉर लीटर एंड एम एल फॉर मिलीलीटर। यही आपको बता रही थी, एल हम लीटर के लिए करते हैं और एम एल मिलीलीटर के लिए। तो बच्चे, जिस तरीके से 1 kg में आपके कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसी तरीके से 1000 मिलीलीटर मिलके आपका 1 लीटर बनाता है। सो लीटर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट एंड द मिलीलीटर इज़ द स्मॉलर यूनिट। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं आप, जो आपकी वेट और लेंथ की थी, ठीक है। मिलीलीटर इज़ यूज टू मेज़र स्मॉल क्वान्टिटीज़ एंड लीटर इज़ यूज टू मेज़र लार्ज क्वान्टिटीज़। यानी कि स्मॉल क्वान्टिटी को मेज़र करने के लिए आप मिलीलीटर का यूज़ करते हैं और जो लार्ज क्वान्टिटी है उसको हम लीटर करते हैं। जैसे कि मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, ये सब आपका लीटर और मिलीलीटर में मेज़र किया जाता है। दीज आर द वेसल्स कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। देखिए बच्चे, जैसे कि ये आपने देखा होगा, जो आपकी बुक में कंटेनर दिए गए हैं, ये सब क्या होते हैं? जैसे कि जब आप किसी कहीं मिल्क लेने जाते हैं तो आपके ये सब, ये तीनों यहाँ पर कंटेनर दिए हैं, इस तरह का कंटेनर का यूज़ किया जाता है। और ये जो नीचे दिए गए हैं इनको हम ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी लिक्विड सामान को लेने के लिए। देखिए, पहला जो आपका है ये है 1 लीटर का कंटेनर, सेकेंड है 1/2 लीटर का यानी कि 500 ml का, और तीसरा है आपका 250 ml यानी कि 1/4 लीटर, ठीक है। तो अब ये आपके हो गए कैपेसिटी को मेज़र करने के वेसल्स। वेसल्स का मतलब जिसे हम हिंदी में कहेंगे बर्तन। अब सेकंड में आपका है ये, देखिए ये 1 लीटर का है, इसी तरीके से ये 500 ml का, ये आपका 250 ml का, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंटेनर जो आप लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी भी अपनी लिक्विड चीज़ों को लेने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए, टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपने बच्चे, जैसे कि आप लास्ट यूनिट में कर चुके हैं, केजी और ग्राम में चेंज करने के लिए आप किस में मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दिस वे यू विल ऑल्सो मल्टीप्लाई इन दिस क्वेश्चन। तो मीन्स, अगर आपने लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई इट बाई 1000। आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने मिलीलीटर को लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी कि आपको पहले पता है कि अगर आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करना है, देन यू विल डू मल्टीप्लिकेशन, एंड अगर आपने स्मॉलर को लार्जर में करना है, यू विल डू डिवीज़न, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब आपका क्या दिया गया है? कन्वर्जन का मेथड समझिए। लीटर इंटू मिलीलीटर, कन्वर्जन ऑफ लीटर इंटू मिलीलीटर इज़ द सेम एज दैट ऑफ चेंजिंग केजी इंटू ग्राम। ये मैं आपको बता रही थी यही, जैसे आपने केजी से ग्राम में बदला था, उसी तरीके से आपको लीटर से मिलीलीटर में बदलने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्योंकि 1 लीटर में भी आपका क्या होता है? 1000 ml। तो 1 लीटर में हो गया आपका 1000 ml, या फिर 1 × 1000 ml। 2 लीटर में होता है आपका 2000, 6 में हो जाएगा 6000, ठीक है। दस टू कन्वर्ट, इसको अंडरलाइन कर लो, टू कन्वर्ट लीटर इंटू मिलीलीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर बाई वट? 1000। और अगर आपको मिलीलीटर से लीटर में करना है, देन यू विल डिवाइड बाई 1000, ठीक है। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग मिलीलीटर इंटू लीटर इज द सेम जैसे कि आपने ग्राम को केजी में किया था, ठीक है। ये सब आप कर चुके हैं। तो अब देखिए, सपोज आपके पास है 5000 ml, अगर आपने इसको डिवाइड, अगर वो करना है लीटर में चेंज, तो यू विल मल्टीप्लाई, यू विल डिवाइड इनटू 1000, ठीक है। 5000 ml
अब आप इसको क्या कर देंगे, 5000 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट हाउ मच, 5 लीटर। ठीक है, इसने आपको क्या कर रखा है, इसने इसको मिली लीटर को लीटर में चेंज कर दिया। या तो आप ये मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप डिवाइड सिंपल कर सकते हैं। 7000 ml का मतलब हो गया 7 लीटर। ठीक है, तो 10 टू कन्वर्ट मिली लीटर इंटू लीटर डिवाइड द नंबर मिली लीटर बाई 1000। सब वही कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ चुके हैं। कन्वर्ट 6875 ml इंटू लीटर एंड मिली लीटर, सेम वैसे ही करेंगे बच्चे। पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे, जैसे हमने इसको करा 6000 प्लस 875 ml, तो 6000 ml का मतलब क्या हो गया 6 लीटर, और 875 आपका ऑलरेडी मिली लीटर में है, तो ये आपका आ जाएगा 6 लीटर 875 मिली लीटर। और अगर आपने कन्वर्टिंग लीटर एंड मिली लीटर इंटू मिली लीटर, तब क्या करेंगे आप, क्या करिए, ये जो आपको लीटर का दिया गया है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिली लीटर की क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो यू विल नॉट चेंज दी क्वांटिटी इन रिटर्न इन मिली लीटर। जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है जो आपने नहीं किया है, क्योंकि आप लास्ट यूनिट में ये सब कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, आप तब तक इसको समझिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 12.1 एक्सरसाइज।